गेंगिस खान का नाम किसने नहीं सुना होगा। इस नाम को हमेशा तबाही और बर्बादी से जोड़ा जाता है। गेंगिस खान ने जिस तरीके से दुनिया में अपना नाम कमाया वो हिस्ट्री में सबसे डोमिनेटिंग हिस्ट्री माना जाता है। आज हम गेंगिस खान के 5 ऐसे अननोन फैक्ट शेयर करेंगे जिन्हें जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। जो आदमी आगे जाके ग्रेट खाना मंगोल्स बना उसका असली नाम तेमुजिन था, जिसका मतलब लोहार है और खान का ट्रेडिशनल मतलब एम्परर है। गेंगिस नाम उन्हें 1206 तक नहीं मिला था और खुद को मंगोल्स का लीडर ऐलान करने के बाद उन्हें गेंगिस खान नाम दिया गया। गेंगिस खान फाउंडर और पहले ग्रेट खान ऑफ मंगोल एम्पायर है। मंगोल एम्पायर को दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्पायर माना जाता है मैक्सिमम लैंड एरिया में। अनोखी बात तो ये है कि इस एम्पायर ने दुनिया का 17.81% लैंड कवर किया था। भले ही गेंगिस खान को एक जालिम रूलर माना जाता था लेकिन दूसरे रिलीजन्स के लिए खान काफी इज्जत रखते थे। उन्होंने ऐसे कानून दिए जिनमें हर रिलीजियस प्लेस पे कम टैक्स लगाया जाता था। उन्हें यह अंदाजा था कि दूसरे रिलीजन्स को इज्जत देके उनके दुश्मनों की तादाद कम होगी और हर लंबे सफर पे जाने से पहले वो अपने टेंट में काफी दिनों तक प्रे करते रहते थे। खान दूसरे रिलीजन्स को स्टडी करने में काफी इंटरेस्ट रखते थे। यहाँ तक कि खान ने मॉरल लेसन के लिए बुद्धिस्ट मॉक्स के साथ साथ मुस्लिम और क्रिश्चियन मिशनरीज को अपॉइंट किया था। तीर कमान और घोड़ों के साथ साथ मंगोल्स का पावरफुल वेपन उनका वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क था। खान ने एक ऐसी कोरियर सर्विस शुरू की थी जो घोड़ों या दूसरे किसी जानवर पर डिलीवर की जाती थी और इस सर्विस का नाम यम था। इस सर्विस ने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पोस्ट हाउसेस पूरे एम्पायर में बनाए गए थे। इसी यम सर्विस की वजह से खान को हर छोटी चीज की खबर रहती थी और यही रीजन है कि गेंगिस खान अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते थे। खान की सारी हिस्ट्री में से उसकी मौत हिस्टोरियंस को सताती है। खान की मौत पे काफी सारी कहानियां हैं और ट्रेडिशनल ये कहती है कि खान की मौत 1227 में घोड़े से गिरने की वजह से हुई, पर दूसरी सोर्सेस कहती है कि उन्हें एक तीर लगने की वजह से मलेरिया हुआ और वो मर गए। गेंगिस खान की मौत तो मिस्ट्री ही है। मरने से कुछ साल पहले खान ने अपनी कब्र को सीक्रेट रहने का ऑर्डर दिया था और ये तक कहा जाता है कि खान के फ्यूनरल स्कॉट ने हर किसी को मार डाला जिसकी नजर उन पे पड़ी ताकि खान की फ्यूनरल साइट का किसी को पता ना चले और अभी तक ये राज राज ही है। वैसे तो एग्जैक्टली कहना इम्पॉसिबल है कि मंगोल रोल में कितने लोग मंगोल्स की तलवार के हत्थे चढ़े होंगे, पर बहुत हिस्टोरियंस इसका नंबर 40 मिलियन बोलते हैं। और गेंगिस खान के रूल के दौरान चाइना की टोटल पॉपुलेशन कुछ ही मिलियन रह गई थी और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ईरान का तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का हिस्सा मंगोल्स के साथ वार में मारा गया और मंगोल्स के अटैक्स से दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 11% लोग मारे गए। तो ये थे कुछ माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स गेंगिस खान के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।